हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम सिंह। स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में हम बताने वाले हैं मारुति एस क्रॉस के बारे में। ये कार मारुति एस क्रॉस है, हाइब्रिड मॉडल है। और इस कार की जो बैटरी है वो ड्रेन हो चुकी है, और गाड़ी में इग्निशन में कोई लाइट्स नहीं आ रही थी। तो हमने चेक किया तो उसकी गाड़ी की बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी थी, और अल्टरनेटर की बेल्ट टूट चुकी थी। तो अल्टरनेटर हमारा बैटरी को चार्जिंग करने का काम आता है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो इसकी बेल्ट हम किस तरीके से नई इंस्टॉल करेंगे और क्या क्या इसमें प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। क्योंकि इस कार का जो एडजस्टर होता है बेल्ट का, जो बेल्ट टेंशन हम बोलते हैं, वो आम मॉडल से अलग होता है। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं किस तरीके से हम इस कार की बेल्ट को इंस्टॉल करेंगे। तो गाड़ी है ये मारुति की एस क्रॉस, और इग्निशन में लाइट नहीं आती है। तो हमने चेक किया, इस गाड़ी की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। तो फाइनली हमने चेक किया इसमें प्रॉब्लम कहाँ से थी। तो प्रॉब्लम है इसकी जो बेल्ट है, फैन बेल्ट, जो अल्टरनेटर वाली बेल्ट होती है, टूट चुकी है। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको भी किस तरीके से हम इसकी बेल्ट रिप्लेस करेंगे। और ये इसके बैरिंग्स हैं दोनों, ये भी कट चुके हैं, और ये दोनों बैरिंग भी चेंज करेंगे इसमें। तो बन रहे आप हमारे साथ, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे किस तरीके से हम ये दोनों बैरिंग चेंज करेंगे और बेल्ट कार में इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बोल्ट को खोलेंगे, एक ए दो ये चार बोल्ट हैं। चार बोल्ट खोल के हम इसका रजिस्टर रिमूव करेंगे कार से, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इसकी किस तरीके से इसमें लॉक होता है और कैसे ये बेल्ट कार में इंस्टॉल होती है। हमने कार से रजिस्टर रिमूव कर दिया है। ये इसका रजिस्टर है, और ये इसके बैरिंग है। ये दोनों बैरिंग ख़राब है। ये बैरिंग कार के अंदर भी खुल जाता है, लेकिन मैंने आपको ब्रीफ में दिखाने के लिए खोला है इसको कम्प्लीटली। तो इसके दोनों बैरिंग चेंज करेंगे। ये इसके न्यू बैरिंग्स हैं जो हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसका जो थ्रेड होता है वो उल्टी चूड़ी का होता है, ये सीधी चूड़ी का होता है। तो दोनों को हम रिमूव करेंगे। खोलो भाई इसको। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुलेगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुलेगा। इसको खोलो भाई। तो ये बैरिंग्स हमारे खुल चुके हैं। ये इसके ओल्ड बैरिंग है, ये इसके न्यू बैरिंग है। लगाओ इसको। ये लगाओ जी इसको। ये एंटी क्लॉक वाइज सेक्शन में टाइट होएगा। तो ये हमारा जस्टर तैयार चुका है, तैयार हो चुका है। इसमें बैरिंग नए फिट हो चुके हैं। मैंने इस एडजस्टर को वाइस में लगाया हुआ है ताकि आपको ब्रीफ में बता सकूं। तो इस एडजस्टर में आप देख सकते हैं ये होल लगा हुआ है, ये होल, ये वाला, ये इस बॉडी में होता है, और ये पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये मूवेबल होता है। इसमें भी आप देख सकते हैं दो होल होते हैं। तो जो ए होल की डायरेक्शन होती है ये लोअर साइड को आती है, गाड़ी के नीचे वाली साइड को, और बाकी इसकी जो बॉडी है इसमें कहीं भी होल नहीं होता, आप देख सकते हो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ हम किस तरीके से हम इसको फिट करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस तरीके की दो पिन्स लेनी है, और इस होल को, ये जो नीचे वाला होल है, इसके सामने लेके आना है, और इसके अंदर हमने इस पिन को डाल देना है। ये पिन हमारी इसमें डल चुकी है। अब ये मूव नहीं करेगा, आप देख सकते हैं ये मूव नहीं कर रहा है। पाना कहाँ है? ये हमारा स्पैनर है 16 नंबर का। तो इस स्पैनर को हमने इस तरीके से लगाना है, और इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो कट है, ये वाला कट, ये इस होल के पास आ जाएगा।
और हमने दूसरी पिन लेके इसको इसके अंदर लगा देना है। हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, जो हमने ये वाली पिन लगाई है इसको रिमूव कर देना है। ये हमने रिमूव कर दिया है तो ये हमारा खुल चुका है। अब इस पार्ट को हम कार में इंस्टॉल करेंगे और नेक्स्ट स्टेप हम आपको बताएंगे इस कार में इंस्टॉल करने के बाद बेल्ट की पोजीशन कैसे रहेगी और ये पिन हमने कैसे हटानी है। इस रजिस्टर को हम कार में इंस्टॉल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसके 4 वोल्ट्स होते हैं एल की वाले। ये कार में हमने रजिस्टर इंस्टॉल कर दिया है। अब नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा इसकी जो बेल्ट की किस पोजीशन में बेल्ट आती है और किस तरीके से ये रजिस्टर खुलता है और काम करता है। तो इस कार के एडजस्टर के सारे वोल्ट टाइट हो चुके हैं और हम इसमें जो बेल्ट यूज़ करने वाले हैं वो गेट्स की है और इसका नंबर है 6PK980 नंबर है। तो इस कार में हम बेल्ट को इंस्टॉल करेंगे। कार में बेल्ट की लोकेशन कुछ इस तरीके से होती है, ये बेल्ट अल्टरनेटर से लग के जो आइडल पुली होती है यहाँ से घूम के इस तरीके से होती है। ये लोहे की आइडल पुली है, फिर क्रैंक पुली पे जाती है, फिर वहाँ से घूम के लोहे की आइडल पुली पे तो वापस कंप्लीट होती है। अब इसका हम रजिस्टर टाइट करके बताएंगे आपको। इस स्पैनर से मैंने ये जो बोल्ट है इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है और रजिस्टर खोलेगा और नीचे से पिन निकाल देनी है इसकी। चलो जी, ये हमारी पिन रिमूव हो चुकी है और काफ़ी केयरफुल तरीके से करना है इसको और इसको मैंने पाने को छोड़ देना। अब ये छूट चुका है और हमारी ये बेल्ट कार में लग चुकी है। अब हम इसकी वाटर पंप की बेल्ट लगाएंगे और गाड़ी को आपको स्टार्ट करके बताएंगे। फाइनली हमारी कार कंप्लीट हो चुकी है, सारी फिटिंग यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है तो अब हम कार को स्टार्ट करके बताएंगे। करो स्टार्ट भाई। तो कार हमारी स्टार्ट हो चुकी है, कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी बेल्ट है, तो मैं आपको मल्टीमीटर से इसकी रीडिंग भी बताऊंगा। तो 12 वोल्ट डीसी पे सेट कर दिया मल्टीमीटर, तो रीडिंग इसकी 14.37 आ रही है। तो हमारा ये अल्टरनेटर भी काम कर रहा है। तो ये कार थी मारुति की एस्ट्रोस, हाइब्रिड मॉडल है SHVS। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो देखते रहिए श्याम सिंह कार टेक्नोलॉजी।